फकरुल्ला। फकर है जनाब। तुम पेरिस वाले केमे में जाओ, तुम्हें पेरिस में पढ़ना है। जी जनाब। फकरुल्ला। फकर है जनाब। तुम अमेरिका वाले खेमे में जाओ, तुमको अमेरिका में पढ़ना है। जनाब। फखरुल्ला। फखर है जनाब। वो तो हमको भी है, तुम पर। तुम हमारे साथ आओ, तुमको हिंदुस्तान में पढ़ना है। मुझे हिंदुस्तान में शहीद नहीं होना जनाब। वह पहली बहुत आतंक है, एक साथ दो बम फट जाए तो दूसरे की खबर वही दबा देते, ताकि जनता में अखरोट पैदा ना हो। अखरोट नहीं बेवकूफ, आक्रोश। बाकी का टीआरपी नेता ले जाते। मुझे तो इंटरनेशनल न्यूज बनना है, लव इन पेरिस, अमेरिकानो। खामोश। बदअक्ल, बदशक्ल, बेवकूफ, नामाकूल, गुस्ताख, इसके लिए तुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, काफिर की औलाद। अब तुम दो जगह पढ़ सकता है, या पाकिस्तान या हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जनाब। अल्लाह, सुभानअल्लाह, बरकतुल्लाह, इंतामुल हक, अल्लाह, ओस्मा बिन लादेन, अल्लाह। आओ मेरे साथ। एक बात ध्यान रखना, किसी भी मुल्क में जाकर पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस मुल्क के आम आवाम का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, जिससे किसी को भी तुम पर शक न हो। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक सच्चे हिंदुस्तानी जैसा बनाऊंगा, और सच्चे हिंदुस्तानी जैसा बनने के लिए तुम्हें हिंदुस्तान की तवारीख यानी कि हिस्ट्री और वहां की रवायत जाननी होगी, और वो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our place among those Indians who are now abroad. I expect that Indians living in Axis countries. और कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अब तो एकदम हिंदुस्तानी जैसा लगता है। कैसा महसूस होता है? एकदम इंसान जैसा। अब तू पढ़ने के लिए एकदम तैयार है। जाओ अब पढ़ दो इसको। पंद्रह अगस्त 1947, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, चारों कौम की शहादत के बाद भारत को आजादी मिली। एक ही तिरंगे के नीचे खड़ा होकर हम सब ने मिलकर भारत का संविधान बनाया, जिसमें जितना अधिकार एक हिंदू को दिया उतना ही अधिकार एक मुसलमान को, और उतना ही एक सिख और उतना ही एक ईसाई को दिया।
एक ऐसा देश जो हर मजहब को जानता हो, पहचानता हो, अपना मानता हो। ऐसा देश जहाँ पर हिंदू के मंदिर की घंटियों के साथ अजान मिलकर पूरे हिंदुस्तान को एकता का पाठ पढ़ाती हो। ऐसे देश में कोई कैसे बम फाड़ सकता है? एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़ गए हो, झूल गए हो। ऐसे देश में बम कोई कैसे फाड़ सकता है? खामोश, नामाखूज, बदबख्त, गड़रिये की औलाद, काफिर, वापस तो हमारा बाप, हम खुद मार देगा, हम खुद फोड़ेगा इसको, अरे हाँ, छोड़ दे इसको, हम एक आदमी